कंप्यूटर बाबा आज भिंड जिले के लहार पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सहकारिता मंत्री और लहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के निवास पर अवैध उत्खनन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कंप्यूटर बाबा ने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए। बाबा ने कहा कि मौजूदा सरकार में नदियों से बड़े पैमाने पर अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, इससे नदियों का अस्तित्व अब खतरे में है। यदि अवैध उत्खनन नहीं रोका गया तो प्रदेश की जीवनदायिनी नदियां समाप्त हो जाएंगी। प्रदेश की सारी नदियों पे हम लोग बल्कि मैं तो कहता हूँ माननीय कमलनाथ जी जब मंत्री तो उन्होंने हम लोग को खुली छूट दी। हम लोग रात दिन करके नर्मदा को नदियों को बचाने के लिए, चाहे वो प्रदेश के कोई भी जिले हो, हर जिले में जाकर नदियों को बचाने की कोशिश की। भ्रष्टाचार की गंगा शिवराज सिंह श्यामलास हिंद जहाँ उनका मंगना वहां से चल रही है। अधिकारी कर्मचारी तमाम हमसे कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मुख्यमंत्री का निर्देश है रेत माफिया को जो रेत लूटने आए ठेकेदार है उनको संरक्षण दो। जब मुख्यमंत्री निवास से फोन आता है तो अधिकारी कर्मचारी असहाय हो जाते हैं।